भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह, हमारे मार्गदर्शक, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुंदरलाल कटारिया, भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री मेरे स्नेही भाई सुरेंद्र पटवाजी, भारतीय जनता पार्टी जिला रायसेन के जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र अग्रवाल जी, दो पूर्व जिलाध्यक्ष मंच पर विराजमान है श्री किशोर रमानी जी, श्री शिवाजी पटेल जी, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष श्री राधाकृष्ण अडवाणी जी, अरविंद जैन जी, ठाकुर विशाल सिंह जी, अब्दुल्लागंज नगर परिषद की अध्यक्षा बहन हरप्रीत कौर जी, मंडीदीप नगर पालिका की अध्यक्षा बहन पूर्णिमा जी, मंडी की अध्यक्षा बहन सुषमा पटेल जी, बहन ललिता पटेल जी, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और शासकीय अधिकारीगण, डीसी साहब, एसपी साहब और जो तीनों यहाँ उपस्थित हैं, और इस सभा मंडप में उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाइयों, मंच का संचालन दो अलग अलग लोगों ने किया, रविंद्र विजयवर्धी जी ने और अब आशीष जी कर रहे हैं। दोनों बहुत खूबसूरती से संचालन कर रहे हैं मंच का। उन्होंने एक बड़ी भूमिका बांध के आशीष जी ने मुझे बुलाया, लेकिन मैं कहना चाहूंगी आशीष जी के लोग मुझसे बहुत पहले से पूरी तरह परिचित हैं और मेरा और इनका संबंध एक राजनेत्री और मतदाता का नहीं है बल्कि एक बेटी और बहन का बन चुका है। आज मुझे लंबा भाषण देने की आवश्यकता भी नहीं है और समय भी नहीं है क्योंकि 3 बजे के विमान से मुझे दिल्ली लौटना है, 2 बज चुके हैं। लेकिन मैं कहने आई हूँ कि आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है और इसलिए प्रसन्न है कि मेरे द्वारा दिए गए 3 वचनों की पूर्ति आज हो रही है। जब मैं सबसे पहले अब्दुल्लागंज जाई थी तो मेरे सामने एक छोटी मांग रखी गई थी कि दशहरा मैदान की बाउंड्री वॉल बन जाए। मैंने जाते ही कहा कि बजट अनुमान भेजो, तो 13 लाख रुपए का बजट अनुमान गया और मैंने उसी दिन वो पैसा स्वीकृत कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो बजट अनुमान कम पड़ गया। वास्तव में काम 21 लाख में पूरा होना है, तो मैंने उसके बाद तुरंत अपनी सांसद निधि से 8 लाख और दिए और आज मुझे खुशी है कि वो बाउंड्री वॉल बनकर तैयार हो गई है और आज उसका लोकार्पण हमने किया। उसके बाद मांग आई कि बाड़ी में बारेला नदी पर पुल बनवा दो। मैंने कहा बनवा दूंगी, कहना तो आसान है लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी भी राजनेता की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विश्वसनीयता होती है। वो अगर एक बार कह दे कि करवा दूंगी तो फिर उसे करवा दी, क्योंकि राजतंत्र में तो लोग राजा की बात पर भरोसा करते थे, लोकतंत्र में लोग अपने विधायक, अपने सांसद की बात पर भरोसा करते हैं और अगर ये भरोसा टूट जाएगा तो लोकतंत्र की व्यवस्था के आगे ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आज मुझे खुशी है कि वो वादा भी मैंने पूरा कर दिया। 6.75 करोड़ यानी 7.25 करोड़ की लागत से वो पुल बनकर तैयार हो गया है और आज हमने उसका भी लोकार्पण किया। तीसरी मांग मेरे सामने रखी गई थी रेलवे ओवरब्रिज की और ये मांग बहुत पुरानी थी, राशि भी काफी लगनी थी, लेकिन मुझे खुशी है कि 48 करोड़ का ये ब्रिज, इसके लिए राशि स्वीकृत होकर आ गई है और इसके लिए आज मैं उसका भूमि पूजन करने आई हूँ और अब ये रेलवे ओवरब्रिज का काम भी तुरंत शुरू हो जाएगा और फिर इसको भी पूर्ण करा के इसका लोकार्पण करने आई हूँ। इसलिए मन खुश है कि 3 वादे जो किए थे, 3 वचन जो किए थे उनकी पूर्ति हुई है, 2 तो काम भी पूरे हो गए हैं और 1 काम पूरा करने की तैयारी आज भूमि पूजन के माध्यम से कर दी गई है।
अभी भाई सुरेंद्र पटवा जी ने शासन की योजनाओं का जिक्र किया और बाद में आपसे दो संकल्प कराए। एक संकल्प था कि मैं नशा मुक्ति के अभियान में भाग लूंगा और स्वयं नशा नहीं करूंगा। दूसरा अभियान था मैं स्वच्छता अभियान में भाग लूंगा और स्वयं गंदगी नहीं करूंगा। लेकिन मैं आज एक प्रासंगिक संकल्प आपसे और कराना चाहती हूँ। वो नवरात्र का पर्व चल रहा है। हमारे देश में नवरात्र वर्ष में दो बार आते हैं। हम शक्ति की आराधना करते हैं, 9 दिन तक माँ की पूजा अर्चना करते हैं और दोनों वक्त आखिरी दिन कन्या पूजन करके पर्व की समाप्ति करते हैं। हम अपने आस पड़ोस की कन्याओं को निमंत्रण देने जाते हैं, वो हमारी दहलीज पर आती हैं तो हम उनके चरण धोते हैं, अंदर बैठा कर उनके माथे पर तिलक और अक्षत लगाते हैं, उन्हें हलवा पूरी खाने को देते हैं, साथ में दक्षिणा देते हैं और जब वो बैठते हैं पंगत में तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थाम नमस्कारस्ते 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 नमो नमः। दूसरे से देखे कन्या स्वरूपा है, घर में कन्या के रूप में स्थापित होती है तो उसकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि वही कन्या जब अपने पुत्र वधु के गर्भ में आती है तो हम उसे आदेश देते हैं कि जाके गर्भपात करा दो। दूसरे की बेटी का इतना बड़ा सम्मान और अपनी बेटी के प्राण हरने में हमें मात्र भर भी संकोच नहीं होता। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मंच के शिवराज जी को, जिन्होंने इस बुराई के पीछे की जड़ को समझा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समाज में बेटी को बोझ माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि लाख अभियान चला लें उसका असर नहीं होगा जब तक इस बोझ को हम कम नहीं करें। और उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक ऐसी योजना चलाई और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से कहा कि मैं अपने आप को यहाँ के बच्चों का मामा कहता हूँ, ये मेरे भांजे भांजी हैं, तो मैं भांजी के मामा होने के नाते आपकी बच्ची का जन्म से लेकर मरण तक का बोझ लूंगा, मगर तुम बच्चों को गर्भ में मारो मत। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बच्ची के पैदा होते ही उसे इतनी राशि मिल जाती है कि उसके विवाह तक में 1,18,000 रुपये उसके हाथ से रख लिए जाते हैं, उसकी पढ़ाई निःशुल्क है, उसकी पुस्तकें निःशुल्क है, दूसरे गांव में जाती है तो उसे साइकिल मिलती है, उसका गणवेश निःशुल्क है। तो जब आपको पढ़ाई पे खर्चा नहीं करना, विवाह पे खर्चा नहीं करना, तो बेटी को बोझ क्यों मानना। और मुझे खुशी है कि उनके इस अभियान को केंद्र में भाई नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा और आज हमारे प्रधानमंत्री ने एक नई योजना प्रारंभ की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केवल बेटी बचानी नहीं है, उसके बाद उसको पढ़ाना भी है ताकि पढ़ लिख कर वो अपने पांव पर खड़ी हो, वो स्वावलंबी बने, वो आप पर बोझ ना बने। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो दो संकल्प आज आपसे भाई सुरेंद्र पटवा जी ने कराए, नवरात्र के पर्व की प्रासंगिकता समझते हुए मैं भी आपसे ये संकल्प कराना चाहूंगी। हर कोई व्यक्ति जो इस सभा मंडप में बैठा है वो ये संकल्प लेकर जाए कि मैं अपने घर में कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगा, और जहां कहीं मुझे पता लगा कि कन्या भ्रूण हत्या हो रही है उसने अपने प्रयासों से रोकूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश की एक भी बच्ची मरने नहीं दूंगा, वो आएगी बेटी को आने को, ये संकल्प हम लोग लेकर जाएंगे। मैंने कहा था मेरे पास समय नहीं है, 2:10 पर हमें निकलना था, सुरेंद्र ने कहा था 2:10 हो गए हैं, लेकिन मैंने कहा था कि प्रारंभ में कि आज मुझे लंबे भाषण की आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी खुशियों में शामिल होने आई हूँ। कहते हैं दुख बांटने से आधा होता है, खुशी बांटने से दोगुनी है।
आज जो खुशी अब्दुल्लागंज वालों को मिल रही है, उनकी बाउंड्री वॉल भी बन के तैयार हो गई दशहरा मैदान से, और उनको आरू बीबी जो उनकी पुराने चार दशकों से चली आ रही मांग थी वो पूरी हो गई है। बाकी सुरेश जी ने कहा है कि 130 करोड़ का और काम, तो 130 पर क्यों रुक रहे हो भैया? अभी तो 3 साल और बाकी हैं, 3.5 साल, 3.5 साल में अकेले जनवासों का सही अपन क्यों करें तुलना? और जगह और भी ज्यादा है, भोजपुर ने नंबर 2 पर जिताया, नंबर 1 पर बुधनी, नंबर 2 पर भोजपुर, तो रांची का जिले में 8वां नंबर नहीं होगा। कोशिश तो करूंगी कि पहले नंबर पर ले आऊं, वरना दूसरे नंबर पर जरूर भोजपुर रहेगा। ये आश्वासन देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।